हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम कॉम्पिटिशन क्लासेस। हम कर रहे थे वर्ल्ड मैप सीरीज, जिसमें लास्ट क्लास में हमने इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं वो पढ़ा था, कौन सी रिवर उसको दो बार इंटरसेक्ट करती है, कॉन्गो रिवर हमने पढ़ी थी, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिटेल में किया था। आज की जो ये सेशन है ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने पहला वाला सेशन नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। आज हम इस सेशन के अंदर फटाफट से लर्न करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे से, यानी कर्क रेखा पे से कौन कौन से देश लाई करते हैं, उसके ऊपर कौन सी रिवर इसको इंटरसेक्ट करती है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन यानी मकर रेखा के बारे में भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे, और प्राइम मेरिडियन के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, इस पॉइंट्स में आपको बताऊंगी इस टॉपिक से लिए हुए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है ये वो लैटिट्यूड होता है पैरेलल टू इक्वेटर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाए करता है। अक्षांश रेखा भी इसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, चलिए, सो 23.5 डिग्री नॉर्थ आपको पता है। इसकी एक और खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि इक्वेटर के नॉर्थ में यानी इक्वेटर के उत्तरी तरफ ये आखिरी पॉइंट होता है जहां दिन में लोकल नून जो हम कहते हैं, जैसे 12 बजे दिन में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर मिलेगा। इसके ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ या उत्तर की तरफ आप जाओगे इस पॉइंट के, इस लाइन के ऊपर, तो सूरज आपको सिर्फ सीधे सिर पे नहीं मिलेगा, वो आपको डायगनल या थोड़ा बहुत खिसकी हुई पोजीशन पे मिलेगा। फाइन, जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन में भी यही फीचर है कि अगर आप मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जाओगे तो दिन में सूरज सिर के ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये दो और विशिष्ट बातें हैं इन दोनों लाइंस की। फाइन, अब जल्दी से देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज लाए करती हैं। ओके, तो चलिए, आपको कॉन्टिनेंट का अंदाजा हो ही गया है, मैं आपको कॉन्टिनेंट के हिसाब से ही याद करवाऊंगी, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज बताऊंगी, फिर ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जल्दी बताओ, अफ्रीका, और ये एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की तीनों की कंट्रीज अलग अलग याद करेंगे और सेम सीक्वेंस में करेंगे ताकि आपकी पकड़ मैप पे भी मजबूत हो। सिर्फ ट्रिक या टेक्निक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वो भी करवाऊंगी, बट साथ में इस चीज पे भी ध्यान देंगे। तो चलिए, सबसे पहली कंट्री ये देखिए, ये है मेक्सिको, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका की दूसरी कंट्री पड़ती है बहामास, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंटर हो रहा है। अब अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो सबसे पहले आ गई ये वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा हो तो जूम कर लीजिए थोड़ा वीडियो, नाइगर, लिबिया और इजिप्ट। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका की कितनी कंट्रीज थी, दो। साउथ अमेरिका सॉरी अफ्रीका की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंट्रीज इसकी हैं। अब आते हैं एशिया पे। एशिया का ये वाला जो रीजन है जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, मिडिल ईस्ट में आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता हो, ये पॉपुलर एक ऐसा टर्म है, कोई टेरिटरी नहीं होती है, कोई पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं है, सिर्फ एक ऐसा टर्म है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं उन कंट्रीज़ के लिए जो एशिया के पश्चिमी हिस्से यानी वेस्टर्न साइड पे होता है, और अफ्रीका का इजिप्ट भी वैसे तो इसमें काउंट किया जाता है मिडिल ईस्ट में, है ना, अरब कंट्रीज़ हैं आप ऐसे समझिए। फाइन, सो यहाँ पे देखो तीन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ आ रही हैं, एशिया में ही पड़ती हैं, सऊदी अरेबिया, इधर आएगा यूएई, और ये आ गया ओमान। ठीक है, अभी एशिया का मैप मैं आपको डिटेल अगला स्लाइड में दिखाऊंगी ताकि जूम आपको दिख जाए, यहाँ पे ढंग से नहीं दिखेगा। फिर इंडिया आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे गुजर रहा है, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पे ये ताइवान। ओके, सो इन सारे ही यहाँ पे कितने हो गए कंट्रीज, जल्दी से काउंट करो, 1, 2, 3 तो मिडिल ईस्ट के हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8, तो एशिया की 8 कंट्रीज हो गई। सो टोटल 17 यानी 17 कंट्रीज है जिनसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब इम्पॉर्टेंट ये तो है ही, अभी लर्न करेंगे हम, इसके अलावा कुछ वाटर बॉडीज हैं, कुछ महासागर, कुछ सीज यानी सागर, और कुछ स्ट्रेट्स हैं जिनसे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, वो भी आपको एक बार बता देती हूँ, फिर लर्न करेंगे। देखिए, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, उसके इसे तो गुजरता ही है, अटलांटिक ओशन से गुजरता है, राइट, और ये क्योंकि अरेबियन सी आ रही है, ये वाला इंडियन ओशन वाला एरिया है, इंडियन ओशन से भी गुजरता है। फाइन, तो तीन तो ओशन हो गए, उसके अलावा ये आपको दिख रहा है मेक्सिको और मेक्सिको का ये वाले पार्ट के बीच में ये एरिया आपको दिख रहा है वाटर बॉडी का ब्लू ब्लू, जूम करो जल्दी से और देखो, ये है गल्फ ऑफ कैरेबियन, गल्फ ऑफ कैरेबियन, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है,
ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको। इस मैप में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैरेबियन लिखा हुआ है। सो गल्फ ऑफ मेक्सिको से जाता है, उसके बाद में इधर आ जाइए, देखिए अफ्रीका और एशिया के बीच में ये वाटर बॉडी आपको दिख रही है, बहुत पॉपुलर सी है, रेड सी। ओके, यहाँ से ये जाएगा, उसके बाद में इंडिया का ये वाला जो वाटर बॉडी आपको पता ही है, अरेबियन सी, अरब सागर इसको बोलते हैं। उसके बाद में ताइवान के पास ये देखिए, ये वाला जो वाटर बॉडी है ना, इसको बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। यहाँ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, और फाइनली ये ताइवान के इस साइड देखिएगा, ये जो पूरा वाटर बॉडी आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फिलिपीन सी, फिलिपीन सागर। तो इन सारे वाटर बॉडीज से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, समझ में आ गया, पिक्चर देख लिया, एशिया वाला भी फटाफट से देख लो। ये देखो, ये रहा अफ्रीका और ये पूरा एशिया वाला रीजन है। तो अफ्रीका और एशिया के बीच में ये रही हमारी रेड सी जिसकी हम बात कर रहे थे। माँ का थोड़ा धीरे चल रहा है मेरा। ओके, अब देखो ये जो मिडिल ईस्ट मैंने बताई थी ना, तीन कंट्रीज मिडिल ईस्ट की, तो ये रही सऊदी अरेबिया, ये रहा यूएई और ये रहा ओमान। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान हो गया, इंडिया आपको पता ही है, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये बांग्लादेश, ओके, और ये रहा ताइवान। ठीक है, अब ढंग से दिख गया, फाइन, लर्न करें जल्दी से जैसे हम करते हैं मज़े मज़े में। तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये सारी कंट्रीज हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में या इक्वेटर में, इसलिए हम कैंसर से इसको जोड़ेंगे। और कैंसर के लिए हमारा पिक्चर है ये क्रैब। कैंसर को कर्क रेखा भी बोलते हैं, कर्क यानी केकड़ा यानी क्रैब। ठीक है, तो ये पूरी जो स्टोरी बनेगी इस केकड़े से बनेगी। ये क्रैब है, बहुत गुस्सेल क्रैब, इसके एक्सप्रेशन देखो कितने गुस्से में है, राइट। तो अब ये जहाँ जहाँ से कर्क रेखा जा रही है वहाँ वहाँ से गुस्सेल क्रैब जा रहा है। हर कॉन्टिनेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है उससे जुड़ी हुई कहानी है। पिक्चर बनाते जाइएगा, सेकेंड्स में याद हो जाएगी। अभी कहानी की ज़रूरत पड़ रही है, एक बार मैप से रूबरू हो जाओगे ना, जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी आपको हर कंट्री अपने आप याद होती जाएगी। मैं स्पेशल लेक्चर भी लगाऊंगी उसके लिए, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है, राइट। जैसे साउथ अमेरिका, इसमें तो नहीं पड़ रहा है, साउथ अमेरिका का मैंने डाला हुआ है एक प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, इंडिया एंड वर्ल्ड मैप वाली, जिसमें मैंने साउथ अमेरिका के कंट्रीज लर्न करवाए हैं मैप पे। फाइन, इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के लर्न करवाऊंगी। अभी के लिए इसकी हेल्प ले लीजिए, धीरे धीरे आपको फिंगर्स पे याद हो जाएगा पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप। चलिए, तो अब इस क्रैब के पास मेक्सिको में एंटर करने का, सबसे पहले कहाँ एंटर किया था ये देखिए, मेक्सिको में एंटर किया था। तो अब इसको एंटर करना है मेक्सिको, तो इसको कोई ना कोई बहाना चाहिए, अपने आप तो आ नहीं सकता है गुस्सेल क्रैब। तो इसने बहाना लगाया कि मैक्सी तो नीचे से खुली खुली होती है, मैं जाके किसी के भी पाँव पे काट सकता हूँ, ये मेरा बहाना है जाने का। सो मैक्सी से जाने का या मैक्सी में एंटर करके काटने का इस गुस्सेल क्रैब के पास बहाना है। सो मैक्सी से मैक्सिको हो गया, बहाना से बहामास। वैसे ये दो कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका के, सीधे भी याद रख सकते हैं, मैक्सिको एंड बहामास, अलग से इसको टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको चाहिए तो मैंने दे दी। अब हम आते हैं अफ्रीका पे। तो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज थी, वेस्टर्न सहारा था, फिर आपका मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइगर, लीबिया एंड इजिप्ट। तो अब देखिए, अफ्रीका वाले लोग तो बहुत रफ एंड टफ होते हैं, नीग्रोस, उन्होंने बोला ये गुस्सेल क्रैब आ रहा है, तो कुछ नहीं, सम्मान में एक लेग पे खड़े हो जाओ, सम्मान में एक लेग पे खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के, क्रैब अपने आप शांत होकर नीचे से निकल जाएगा। तो सम्मान से एस एम एम ए एन, और किस पे खड़े हो जाओ, लेग पे खड़े हो जाओ। तो एस से वेस्टर्न सहारा, एम से मॉरिटानिया, एम से माली, ए से अल्जीरिया, एन से नाइगर, एल से लीबिया, और ई जी जो लेग का ई जी है उससे इजिप्ट हो जाएगा, राइट। एक बार जब मैप पकड़ कर लोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधे सीधे वैसे भी याद हो जाएगा, जब मैप आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के कौन से दो कंट्रीज किए जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, मेक्सिको एंड बहामास, और यहाँ सम्मान में लेग पे खड़े हो गए अफ्रीका वाले। तो एस से सहारा, वेस्टर्न सहारा, एम एम मॉरिटानिया, माली, ए अल्जीरिया, कहाँ गई अल्जीरिया जो कि सबसे बड़ी कंट्री भी है अफ्रीका की, और एन से नाइगर, फिर एल ई जी, एल से लीबिया, ई जी से इजिप्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हमारे एशिया वाले। तो एशिया में जैसे ही क्रैब एंटर होता है तो भाई सब आपस में डिस्कस करें कि क्या करें कि क्रैब ना काटे। तो मिडिल ईस्ट वाले बोलते हैं सो जाओ, सब सो जाओ। इंडिया वाले बोलते हैं बकमत, सोने से कोई क्रैब नहीं काटेगा क्या, इतना तो हमें भी दिमाग है, ऐसे थोड़ी होता है, सो जाओ, क्रैब कोई बुद्धू थोड़ी है। तो मिडिल ईस्ट वालों ने क्या बोला, सो जाओ,
सो जाओ। और इंडिया वाले क्या बोले, बक मत, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे हो गया सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, मिडिल ईस्ट की तीन कंट्रीज आ गई एशिया की। इंडिया आ ही गया, बक मत से बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान, ये हो गई कंट्रीज जिनसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। कोई प्रॉब्लम आई नहीं ना? अगर ऐसे रटोगे ना इस स्टोरी को तो लगेगा स्टोरी याद करो, इससे तो कंट्रीज ही याद कर लो, लेकिन नहीं, एक पिक्चर बना लो और उसको क्रैब से जोड़ दो, तो एटलीस्ट उस टाइम तक के लिए स्टोरी हेल्प कर देगी जब तक कि आप मैप पे पकड़ नहीं कर लेते। ये वो सारी वाटर बॉडीज़ हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, ओशंस और सीज, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन बता चुकी हूँ मैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मेक्सिको, रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच में, अरेबियन सी इंडिया के लेफ्ट में, ताइवान स्ट्रेट ताइवान के लेफ्ट में, फिलीपींस स्ट्रेट नहीं है बेटा, ये फिलीपींस सी है ताइवान के राइट साइड वाले एरिया में। ठीक है, चलो तो ये था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ल्ड से। अब आ जाते हैं हमारे प्यारे भारत पे। इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न में से, ये अकेला है जो इंडिया में से गुजरता है। वैसे तो मैंने इंडिया का मैप आपको लर्न करवा रखा है ना, नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ये सारे स्टेट्स आपको पता होने चाहिए जिन जिन्होंने वो वीडियो देखा है, जिन्होंने नहीं देखा मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये मैंने ना डायनासोर से लर्न करवाया था, ये देखो डायनासोर का मुंह, ये डायनासोर का पेट, ये उसका 36 किलो का पांव, ये इसकी पूंछ है जो झाड़ियों में फंसी हुई है। ओके, सो गुजरात, फाइन, मध्य प्रदेश, मध्य यानी इसका पेट है इसलिए, और ये गुजर रहा था, आप मैप देखोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा, पर अभी जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। गुजरात है, पेट का मध्य है तो मध्य प्रदेश, 36 किलो का पांव तो छत्तीसगढ़, इसकी जो पूंछ है झाड़ियों में फंसी हुई तो झारखंड हो गया, ये वेस्ट बंगाल है, ये हमको पता ही है, ये एक व्यक्ति है, ये देखो ये एक व्यक्ति है जो ऊपर आसमान में हाथ ऊपर किए खड़ा हुआ है, तो ये इसका पहला पांव है, ट्री जैसा जड़ है तो ट्री से त्रिपुरा हो गया, और इस पांव में इसने बड़ा सा मोजा पहना हुआ है तो मिजोरम हो गया। ओके, और ये मेरा प्यारा रंगीला राजस्थान, फाइन। सो टोटल कितने स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार इंटरसेक्ट करती है। आई डोंट नो, मैंने पहले हाँ यहाँ लिखा हुआ है, मिस हो गया है ना, माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, कई बार सवाल बनता है, कंट्रीज भी इम्पॉर्टेंट हैं और रिवर्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो माही नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है, इंडिया की ही नदी है तो याद रह ही जाएगी। अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जल्दी से कर लेते हैं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की मैंने खास बात बता दी थी, साउथ का सबसे नीचा पॉइंट है जिसके बाद सूरज दोपहर में सिर के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक का ठीक सिर के ऊपर नहीं मिलेगा। ओके, सो इसकी डायमेंशन क्या है मकर रेखा के या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, 23.5 डिग्री साउथ है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं फटाफट देखते हैं, तो देखो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, मैप करवा रखा है चाहो तो वहाँ से कर लेना। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के अंदर सबसे पहले ये देखो ये पतली पतली लंबी चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पैराग्वे, और पैराग्वे के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील जो कि सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की। तो चार कंट्रीज हो गए साउथ अमेरिका के जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा। उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ जूम कर लेना है ना, जूम करके देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको एडवाइस करूँगी अपने साथ हो सके तो एक खाली मैप रखा करो, वर्ल्ड मैप्स, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है नहीं पॉसिबल होगा, अदरवाइज लेकर रख लीजिएगा बुकलेट, जब भी आप स्टडी करो वर्ल्ड सीरीज, मैप सीरीज जो भी मैं करवाऊँगी सब मैप पे करवाने वाली हूँ। ओके, तो मैप साथ में रहेगा खाली, तो सीखते सीखते उस पर मार्क भी करते जाइए, प्रैक्टिस भी हाथों हाथ हो जाएगी। चलिए, सो साउथ अफ्रीका के अंदर अगर हम बात करें, नामीबिया, ये रहा नामीबिया, ये है साउथ अफ्रीका, ये है बोट्सवाना, उसके बाद मोजाम्बिक और मैडागास्कर, सो ये पांच हो गए अफ्रीका के कंट्रीज। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपको पता ही है, सो टोटल कितने हो गए, 10 कंट्रीज हो गए जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरेगा, फाइन। ये अभी बता देती हूँ फिर हम भूल जाते हैं ना, मिस हो जाता है, कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करती है। देखो सीधी एक एक बार पढ़ने वाली तो बहुत सारी नदियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, उन पे क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं, दो बार इंटरसेक्ट कौन सी रिवर करती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लिम्पोपो, कौन सी रिवर है, लिम्पोपो, देखो इसमें पी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पी नहीं आता, इक्वेटर में पी नहीं आता, कैप्रिकॉर्न में ही पी आता है, तो लिम्पोपो कैप्रिकॉर्न वाली नदी हो गई।
ठीक है, अब कंट्रीज याद कर लेते हैं। तो इस कंट्री, इन कंट्रीज को याद करने के लिए और इसका एसोसिएशन कैप्रिकॉन से बनाने के लिए हमारा मेंटल इमेज होगा कैप। देखो दिख रही है यहाँ पे कैप्रिकॉन कैप, सी ए पी से कैप्रिकॉन होता है, कैप होती है। तो जो पहली तीन कंट्रीज हैं चाइना अर्जेंटीना पैराग्वे, उनकी स्पेलिंग क्या हुई? नेक्स्ट स्लाइड पे देखो सी ए पी, ये भी कैप हो गई। तो कैप्रिकॉन की पहली तीन कंट्रीज तो हो गई। ब्राज़ील आएगा ही, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो करवाया था बताया था आई डोंट रिमेम्बर, जो साउथ अमेरिका है, ओके आ जाओ मैप पे आ जाओ बेटा, हाँ जब मैंने आपको इक्वेटर कराया था तब मैंने आपको याद कराया था, याद आ गया मुझे कि साउथ अमेरिका में से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों पास होते हैं, नॉर्थ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होता, बाकी दोनों इसमें से पास होते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील तो आना ही है बिकॉज सबसे बड़ा कंट्री है और नीचे तक एक्सटेंड होता है। सो कैप और ब्राज़ील हो गए अफ्रीका साउथ अमेरिका के, ठीक है। अब आते हैं अफ्रीका पे। तो देखो जैसे ये अफ्रीका में एंटर हुई, अफ्रीका में हर कोई कैप पहने हुआ था, गर्मी बहुत होती है ना, तो इस कैप ने, ये जो कैप एंटर हो रही है इंसान जैसी कैप मान लो, चलती फिरती कैप, वो बोलती है कि नाम बहुत सुना है ममा की कैप का। अफ्रीका में जितनी भी मोमाज होती है ना, मॉमी है ना, उनकी कैप बहुत स्पेशल होती है, मैंने नाम बहुत सुना है तो मुझे वो देखनी है। तो कैप जैसे ही अफ्रीका में एंटर हुई उसने क्या बोला, नाम बहुत सुना है मोमा की कैप का। सो नाम नामीबिया, बहुत से बोत्सवाना, सुना है, सो सुना है से वैसे चाहो तो एस ले सकते हो, नहीं तो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका आ ही आ रहा है, उल्टा बोल दिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो साउथ अफ्रीका कंट्री तो आएगा ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, क्योंकि हमने न इक्वेटर के अंदर पढ़ा न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पढ़ा, साउथ अफ्रीका नीचे आता है बिल्कुल साउथ में आता है, और हमने ये चीज़ हमें पता है कि तीनों लाइन्स अफ्रीका से जाएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी, इक्वेटर जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाएगी, उन दोनों पे साउथ अफ्रीका नहीं आया तो कैप्रिकॉन पे तो साउथ अफ्रीका आना ही है। तो ये ऐसे याद हो जाएगा। और मोमा से मो एंड मा, मोजाम्बिक एंड मैडागास्कर, ठीक है, नाम बहुत सुना है मोमा की कैप का, सो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोमा, फाइन ये पांचों याद हो जाएंगे। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको वैसे ही पता होगा बिल्कुल अलग ही है और उससे सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब बस ये लास्ट टॉपिक है, इसमें दो तीन स्लाइड्स हैं। लॉन्जिट्यूड यानी मेरिडियन, तो इम्पॉर्टेंट मेरिडियंस कौन सी हैं, दो लॉन्जिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड कौन सी है, दो लॉन्जिट्यूड इंपॉर्टेंट है, एक है प्राइम मेरिडियन जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन भी बोलते हैं, इसका इससे रिलेटेड टाइम जोन होता है, टाइम निर्धारित करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो रही है, पूरी धरती पे जो जो टाइम हम देखते हैं कौन से देश में कौन सा टाइम चलेगा वो सब इसके रेफरेंस से डिसाइड होता है। इस पे अलग पूरा एक मैं वीडियो लेकर के आऊँगी इस सेक्शन के बाद में, इस आज वाले वीडियो के बाद में, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना देख लो कि ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको हिंदी में प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड है यानी देशांतर है, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि पीछे के साइड, ये प्राइम मेरिडियन है तो इसके ऑपोजिट 180 डिग्री पे होती है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे आने वीडियो के अंदर। अब हम देख लेते हैं प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंट्रीज से होकर के गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूम कर लेना अगर नहीं दिखे तो। तो देखिए आपको पता होगा प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यूके लंदन में इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरती है, तो एक चीज़ तो पता पड़ गई कि यूके से जाएगी। यूरोप के ये देखो ये तीन कॉन्टिनेंट से गुजरेगी, सबसे पहला हो गया यूरोप, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका बहुत रिच है, हर लाइन इससे गुजरती है, ठीक है, और तीसरा हो गया एंटार्क्टिका, फाइन। सो यूरोप के तीन देशों से गुजरेगी, यूके फ्रांस और स्पेन, यूके फ्रांस और स्पेन। अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री, माली, बर्किना फासो, टोगो और घाना, ये पांच देशों से गुजरेगी। और एंटार्क्टिका के अंदर एक रीजन होता है जिसको क्वींस मॉड लैंड बोलते हैं, क्वीन मॉड लैंड, ये यहाँ से भी पास होती है। अब चलो लर्न करने के लिए ये मैंने जूम पिक्चर भी लगा दी है, बड़ा इमेज भी दिखा दिया है, देखो यूके हो गया, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, तो ये तीन वैसे तो सीधे भी याद रह सकते हैं बिकॉज यूरोप के तीन ही कंट्रीज हैं, फिर भी मैं करवा दूंगी अभी, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो और घाना।
ओके और ये लास्ट में इधर एंटार्क्टिका नहीं दिख रहा है इस वाले डायग्राम में, मैंने आपको बता दिया क्वीन मॉड लैंड। तो अब याद किसे करें, देखो ग्रीन मेरिडियन भी बोलते हैं प्राइम मेरिडियन को, तो मेरे दिमाग में है ग्रीन, ग्रीन कलर, और जो स्टोरी है ना वो आम के इर्द गिर्द घूमती है। अभी गर्मियों का सीजन चालू हो गया, आम आने लग गए हैं, राइट, तो ग्रीन कलर का आम यानी कैरी, ठीक है, तो ग्रीन मैंगो से ये स्टोरी है। जद्दोजहद हो रही है ग्रीन ग्रीन आम यानी कैरी खाने के लिए बाग में जाने की, तो उफ से हम आम के बाग में पहुंचे, उफ से मतलब बहुत मेहनत की हमने, ऐसे थोड़ी किसी के बाग में घुस सकते हैं, उफ से हम आम के बाग में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे टोक दिया किसी ने, किसने टोका, जिसका बाग होगा, किसका बाग था, क्वीन का बाग था। सो उफ से आम के बाग में गए और टोक दिया क्वीन ने, तो उफ से हो गया यूके, फ्रांस और स्पेन, उफ से। वैसे डायरेक्ट याद भी हो जाएगा, टेक्निक की जरूरत इसके लिए तो एटलीस्ट नहीं है, मेरा ओपिनियन है, फिर भी मैंने दे दिया आपको चाहिए तो। आम बाग, आम बाग में पहुंचे थे, सो आम बाग, आम बाग, सो अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो एंड घाना, ठीक है, आम बाग से ही हो गया। और टोका हमें किसी ने, तो टोगो टोको, किसने टोका था, क्वीन ने, तो क्वीन मॉड लैंड या क्वीन मॉड रीजन एंटार्क्टिका का, ठीक है, पिक्चर देखनी है सिर्फ। और ये ग्रीन कहाँ से आया, ताकि आपको याद रहे कि ये सारी कंट्रीज वो हैं जिनसे ग्रीनविच मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन पास हो रही है। और ये है हमारा लास्ट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती है, यानी क्रॉस करती है। तो इक्वेटर वाले चैप्टर नहीं, जब मैंने फर्स्ट सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर जो लिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप, उसमें मैंने बताया था कि प्राइम मेरिडियन इक्वेटर को कहाँ कट करती है, याद है, गिनी, गल्फ ऑफ गिनी। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा यहाँ भी करवाते हैं। तो देखो ये है प्राइम मेरिडियन, फाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ कट कर रही है, ये यहाँ पे कट कर रही है। ज़रा देखो तो ये मैप का कौन सा रीजन है अफ्रीका का, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में यहाँ सबसे बड़ा कंट्री पड़ता है, कौन सा है सबसे बड़ा कंट्री अफ्रीका का, अल्जीरिया, तो ये कट करेगा अल्जीरिया में, ठीक है। उसके बाद जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन यहाँ गल्फ ऑफ गिनी में यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये है पूरा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ गिनी में इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये भी पूरा अटलांटिक ओशन चल रहा है, यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन के अंदर ही, यहाँ पे देखो कहाँ पहुँच गए हम, सॉरी नॉट दिस, ये रहा ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फाइन, और इस जगह पे नामीबिया आता है, तो नामीबिया के ऑपोजिट अटलांटिक ओशन के अंदर प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इक्वेटर के साथ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ में इंटरसेक्शन होता है। तो ये हो गई आज की क्लास, जो जो भी आज बताया वो सब एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सारी कंट्रीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सारी रिवर्स याद होनी चाहिए, और कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी याद होने चाहिए। अब जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रेस फ्री एंड स्टे एट होम।